classes of Assalamualaikum, welcome to online classes of FG Grammar School, class nursery. आज का subject है Urdu. Class का काम है किताब का सवा number 7, 9 and 11. घर का काम है किताब का सफा number 6 and 8. Requirement है उर्दू कॉपी, उर्दू बुक, पेंसिल बॉक्स एंड कलर बॉक्स. ये है हमारी उर्दू बुक. पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 7. आपको इन बे को, इस बे को ट्रेस करना है, इन सब बे को, और इन दो लाइनों में बे आपको खुद से लिखना है. बे से बादल, बे से बद्दख, बे से बस, बे से बादल, बे से बद्दख, बे से बस. इसको लिखना भी है इस पेज को आपको, और पढ़ना भी है. पेज रन कीजिए, पेज नंबर 9. इसमें भी आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है. इस पे को भी ट्रेस करना है, और इन दो लाइनों के पे को भी ट्रेस करना है, और इन दो लाइनों के पे को आपको खुद से लिखना है. अब पढ़ेंगे पे से पत्ता, पे से पंखा, पे से पेंसिल, पे से प्याज. पे से पत्ता, पे से पंखा, पे से पेंसिल, पे से प्याज. ओके, पेज रन करेंगे, पेज नंबर 11. इसमें भी आपको लिखना है और पढ़ना है. इस ते को आप ट्रेस करेंगे, इन दोनों लाइनों को के भी ते को ट्रेस करेंगे जैसे और पेजेस पे किया था, और इन दोनों लाइन्स के ते को आपको खुद से लिखना है. अब पढ़ेंगे ते से तितली, ते से ताला, ते से तरबूज. ते से तितली, ते से ताला, ते से तरबूज. या ये तीनों पेज आपके सी वर्क थे, पेज नंबर 7, पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 11. अब होमवर्क का पेज नंबर है पेज नंबर 6. इन सारे डॉट्स को जो बे की तरह बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, इन डॉट्स को ट्रेस करना है आपको. कलरफुल कलर से करेंगे तो अच्छे लगेंगे. ये नहीं कि आप गोलाकंडा बना दें, आप हर एक लाइन के डॉट, जैसे ये पूरी लाइन जो बनी हुई डॉटेड की, सिर्फ एक कलर से करनी है. हर लाइन को कलरफुल कर सकते हैं, लेकिन एक एक शोशे को कलरफुल मत कर दीजिएगा. नेक्स्ट होमवर्क पेज है पेज नंबर 8. इसमें कलर करना है अलिफ मदा जहाँ लिखा हुआ है उसको येलो कलर करना है, इस पूरे को, और जहाँ अलिफ लिखा हुआ है, देखें इसकी पत्तियों पर अलिफ लिखा हुआ है, इनकी पत्तियों पर ऑरेंज कलर होगा, और जहाँ बे लिखा हुआ है वहाँ ग्रीन कलर होगा. यह आपका होमवर्क था, और आपका ओरल है अल्फाज जिद. अल्फाज जिद है दिन, रात, गरम, ठंडा, छोटा, बड़ा, अंदर, बाहर, साफ, गंदा, दिन, रात, गर्म, ठंडा, छोटा, बड़ा, दिन, अंदर, बाहर, साफ, गंदा. यह आपका ओरल था. ये चाहे तो आप अपनी कॉपी के बैक साइड पे लिख सकते हैं. जितना मैं अभी तक इंग्लिश, उर्दू, मैथ, जितना भी हम आपको ओरल
याद करने के लिए आप अपनी कॉपी के बैक साइड पे उतार लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो याद करने में। सही है, आज के लिए बस इतना ही।